मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को नवी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि 4 अक्टूबर 2021 को आपका PT1 एग्ज़ाम हुआ था, पीरियोडिक टेस्ट, तो इसे अर्धवार्षिक परीक्षा भी कहते हैं, मिड टर्म। और आज हम जो है ये बहुविकल्पीय जो 50 अंकों का था उसके ऊपर जो है आज हम प्रश्न पत्रिका ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसके सविस्तार से उत्तर भी जानेंगे। ठीक है, तो पहली बात, जो भी आप आंसर पेपर लिखते हैं उसे PDF बनाना है। PDF बनाकर जो है, जो हमने ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर दिया गया है उसके जो दिया गया है उस पर ही भेजना है आपको, और ज़्यादातर जो है PDF में ही भेजना है, ना बल्कि इमेज में भेजना है। ठीक है, तो इससे जो है हमें प्रिंट लेने में आसानी होती है, तो ये बात आपको आने वाले परीक्षाओं में ध्यान रखना है। तो चलिए, प्रश्न संख्या पहला था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ पर ठीक से ध्यान पूर्वक जो भी है, आपको पता है कि गद्यांशों या पद्यांश ठीक से पढ़ना होता है। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। राहे पर खड़ा है सदा से, ठूंठ नहीं है, दिन थे जब वह हरा भरा था, और उस जनसंकुल चौराहे पर अपनी छतदार डालियों से बटोहियों की थकान अनजाने धूर करता था, पर मैंने उसे सदा ठूंठ ही देखा है, पत्रहीन, शाखाहीन, निरवलंब जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से सहसा निकलकर अधर में ही टंग गया हो। रात में वह काले भूत सा लगता है, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका जिस्म है, और अगर चित्रे को छाया चित्र बनाना हो तो शायद उसका सा अभिप्राय और न मिलेगा। प्रचंड धूप में भी उसका सूख शरीर उतनी ही गहरी छाया जमीन पर डालता है जैसे रात की उजियारी चांदनी में। जब से होश संभाला है, जब से आंख खुली है, देखने का अभ्यास किया है, तब से बराबर मुझे उसका निस्पंद, नीरस, अर्थहीन शरीर ही दिख पड़ा है। पर पिछली पीढ़ी के जानकार कहते हैं कि एक जमाना था जब पीपल और बरगद भी उसके सामने शर्माते थे, और उसके पत्तों से, उसकी टहनियों और डालों से टकराती हवा की सरसराहट दूर तक सुनाई पड़ती थी। पर आज वह नीरव है, उस चौराहे का जवाब जिस पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर की राहें मिलती हैं, और जिनके सहारे जीवन अविरल बहता है। जिसने कभी जल को जीवन की संज्ञा दी, उसने निश्चय जाना जाना होगा कि प्राणवान जीवन भी जल की ही भांति विकल अविरल बहता है। सो प्राणवान जीवन मानव संस्कृति का उल्लास उपहार लिए उन चारों राहों की संधि पर मिलता था, जिसके एक कोण में उस प्रभाव से मिल एकांत शुष्क आज वह ठूंठ खड़ा है। उसके भाग्यों परंपरा में संभवतः एक ही सुखद अपवाद है। उसके अंदर का स्नेह रस सूख जाने से संख्या का लोप हो जाना, संज्ञा लुप्त हो जाने से कष्ट की अनुभूति कम हो जाती है। तो इस तरह था। इसे एक बार पढ़ने के बाद हमें प्रश्नोत्तर पर आना है। पहला प्रश्न है, जनसंकुल का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, भीड़ भरा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है, आम की छाल
हेलो कैडेट्स, सर आपका माइक बंद हो गया था। अभी स्टार्ट है हाँ सर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जन संकुल का क्या आशय है? यानी इसका उत्तर है ऑप्शन दूसरा, भीड़ भरा। तो दूसरा प्रश्न है, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता था? तो इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यात्रियों की थकान मिटती थी। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है, शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसका अर्थ हो, इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ठूंठ वृक्ष। और चौथा प्रश्न है, आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का क्या कारण था? तो इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, उसका अधिक हरा भरा और सघन होना। ठीक है, और पांचवा प्रश्न है, आम के अभागेपन से संभवतः एक ही सुखद अपवाद था, क्या अपवाद था? तो ऑप्शन दूसरा है, संज्ञा लुप्त हो जाना। ठीक है, इस तरह होने के बाद हम अभी कविता की ओर बढ़ते हैं। इसे एक बार ठीक से पढ़ लेना है आपको, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसे। तेरे मेरे बीच कहीं है एक घृणामयी भाईचारा, संबंधों के महासमर में तू भी हरा मैं भी हरा, बंटवारे ने भीतर भीतर ऐसी ऐसी डाह जगाई जैसे सरसों के खेतों में सत्यानाशी उग उग आई। तेरे मेरे बीच कहीं है टूट अनटूटा पतियारा, संबंधों के महासमर में तू भी हरा मैं भी हरा, अपशब्दों की बंधनवारे अपने घर हम कैसे जाए, जैसे सांपों के जंगल में पंछी कैसे नीड़ बनाए। तेरे मेरे बीच कहीं है भूल अनभूल गलियारा, संबंधों के महासमर में तू भी हरा मैं भी हरा, बचपन की स्नेहिल तस्वीरें देखो तो आंखें दुखती हैं, जैसे अध मुरझी कोमल से ढलती रात ओस झरी है। तेरे मेरे बीच कही है बुझा अनबुझा उजियारा, संबंधों के महासा समर में तू भी हरा मैं भी हरा। इसे एक बार ठीक से पढ़ लेना है, उसके बाद जो है इसके प्रश्न के उत्तर आपको देना है। कविता से किस बंटवारे की बात हो सकती है? तो पहला उत्तर है इसका ऑप्शन दूसरा है ऑप्शन ये, दो भाइयों का बंटवारा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, तेरे मेरे बीच कही है एक घृणामयी भाईचारा का भाव है। दूसरा देखिए प्रश्न का उत्तर ये है, यानी पहला ऑप्शन है, परस्पर संबंधों में इतनी घृणा हो गई कि भाईचारा कहाँ रह गया। तीसरा है, सरसों के खेतों में सत्यानाशी किसे कहा गया है? तो इसका तीसरा प्रश्न का उत्तर है चौथा, परस्पर ईर्ष्या भाव को। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, अपशब्दों की बंधनवारे कैसे प्रभावित करती है? तो इसका चौथा प्रश्न का उत्तर है दूसरा ऑप्शन, अपनों से मिलने से रोकती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, बचपन की तस्वीरें क्या आशा जगाती हैं? तो इसका उत्तर है पहला ऑप्शन, आंसुओं में मलिनता धूल जाएगी और उजाला होगी। तो इसके बाद जो है हम अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 हैं तो आपको बताना है। लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सके? बुढ़िया के। तो मैं इसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसीलिए आंसर सीधा बता रहा हूँ, बुढ़िया के रोने का। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसका किसकी याद आई? तो इसका ऑप्शन तीसरा उत्तर है, सम्भ्रांत महिला की। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, समाज में मनुष्य मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है? रहन सहन से, खान पान से, पोशाक से,
और ख दोनों, तो इसका उत्तर है पोशाक से, तीसरा ऑप्शन पोशाक से। उसके बाद चौथा प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू कब चल पड़ा था? तो इसका उत्तर है 7 मार्च को। पांचवा प्रश्न है, बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? तो इसका उत्तर है नमचे बाजार से। ठीक है, उसके बाद शिखर पर जाने वाली प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ से आने वाले तूफानों को झेलना पड़ता था? तो इसका उत्तर है दक्षिण पूर्वी पहाड़ों से। ठीक है, सातवां प्रश्न है, यदि भगवान चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। ठीक है, उसके बाद आठवां प्रश्न है, यदि भगवान बादल है तो भक्त क्या है? मोर है। ठीक है, उसके बाद नौवां प्रश्न है, रहीम ने प्रेम के बंधन को किससे किसकी तरह जो कहा है? धागे की तरह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है। और नौवां दसवां प्रश्न है, रहीम दूसरों से क्या छुपा कर रखने को कहते हैं? तो यहाँ पर दुख है। ठीक है, दुख छुपा को रखने के लिए कहते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्ग शब्दों का सही विकल्प लिखिए। तो प्रवचन शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर सही उत्तर है प्र, प्र जो है उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निर्जीव शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निर्जीव में किसका प्रयोग हुआ है? निर। ठीक है, निर का प्रयोग हुआ है, पहला ऑप्शन ही है। और तीसरा प्रश्न है, सुचारू शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुचारू में कौन सा सही उत्तर है? सु, सु उपसर्ग लगा हुआ है, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद चौथा है, दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए चौथा ऑप्शन है दुर्। ठीक है, उसके बाद अस्थाई शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अस्थाई में अ जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो प्रारंभ में लगता है। उसके बाद प्रत्यय देखेंगे हम। छठा प्रश्न, अमृत शब्द का विलोम शब्द है? हाँ, उसके बाद जो है विलोम शब्द देखेंगे, सॉरी। नीचे दिए गए प्रत्यय शब्दों का सही विकल्प लिखिए। तो पहला है निम्न, निम्न में से किसमें इत प्रत्यय है? तो पल्लवित, मानसिक, मानसिक वैभवशाली, बंधुत्व। तो इसमें पल्लवित जो है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इत प्रत्यय देखने को मिलता है। उसके बाद चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसमें चौथा ऑप्शन है आहट। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? प्रयुक्त नहीं हुआ है इत प्रत्यय, कलंकित इत प्रत्यय हुआ है, इंसानियत इत प्रत्यय हुआ है, पुष्पित इत प्रत्यय हुआ है, आनंदित हुआ है, ख इंसानियत इसमें नहीं हुआ है। तो इंसानियत जो है ये गलत है, इत प्रत्यय नहीं हुआ। उसके बाद मोटापा में प्रयुक्त प्रत्यय है, मोटापा में इसका उत्तर जो है आपा, आपा जो है प्रत्यय हुआ है। उसके बाद आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आई लिखाई में है, लड़ाई में है, चढ़ाई में है, चलनी में नहीं है। इसका उत्तर सी ऑप्शन, चलनी। उसके बाद छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए विलोम शब्दों को सही विकल्प लिखिए। अमृत शब्द का विलोम शब्द है विष। उसके बाद वरदान शब्द का विलोम शब्द है अभिशाप। सजीव शब्द का विलोम शब्द है निर्जीव। सुखद शब्द का विलोम शब्द है दुखद, क्योंकि सुख है तो दुख है, सुखद है तो दुखद है। ठीक है, पक्ष शब्द का विलोम शब्द है विपक्ष। इस तरह आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपने बहुत सारे जो है गलतियाँ की हैं, कुछ
कौन सा शब्द समूह अंग का पर्यायवाची है? अंग का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होता है? हिस्सा, भाग, अंश। ये जो है सही ऑप्शन है चौथा वाला, हिस्सा, भाग, अंश। उसके बाद समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पर्यायवाची हो शब्द कौन कौन से होते हैं? घोड़ा है, तुरंग है, हर ये अश्व के पर्यायवाची शब्द है। नहीं करके पूछा है तो सही उत्तर है ग, यानी दूसरा ऑप्शन गज, यानी हाथी नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं है ये प्रश्न, आप ठीक से पढ़ना था। बहुत सारे घोड़ा तुरंग है लिखा है, वो गलत हो जाता है। नहीं है पूछा है तो गज सही होता है। बल का पर्यायवाची नहीं है। बल का देखो जैसे शक्ति है, पराक्रम है, दम, लेकिन बेल जो है वो नहीं है, तो बेल सही उत्तर हो जाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए अर्थ के दृष्टि से आपके वाक्य के प्रकार, यहाँ पर सभी ने 5 में से 5 अंक लिए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है आपने। क्या मेरे भाई आपसे मिला? इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा वाक्य भेद है? तो इसमें प्रश्नवाचक होने के कारण प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। वह बहुत जोर से हंस रहा है। इस वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। तो पहला ऑप्शन ही है, अरे वह बहुत जोर से हंस रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मेरे पत्र पिताजी को मिला। इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो प्रश्न लिखा होता है, पहला ऑप्शन है, क्या मेरे पत्र पिताजी को मिला, ये सही है। चौथा प्रश्न है, मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है बताइए? तो ये इच्छावाचक वाक्य है, तीसरा ऑप्शन इच्छावाचक, घूमने का मन हो रहा है। और उसके बाद जो है नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। भिन्नार्थक, श्रुतिशम भिन्नार्थक अर्थ मैंने पूछा था यहाँ पर। दीन शब्द का श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? दीन, दीन का दिन होता है, दिन। ये दोनों दिखने में सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन अर्थ अलग होते हैं, लेकिन सुनने में और उच्चारण में सेम होते हैं, दिन और दिन। तो तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है, किस क्रमांक में शब्द श्रुतिशम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द भी दिए हैं, उसके अर्थ उसके अनुसार ही होना है। जैसे आदि, आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, यानी यहाँ पर गलत लिखा है। आदि का अर्थ अभ्यस्त लिखा है, आदि का अर्थ प्रारंभ लिखा है, ये गलत हुआ। अनल और अनिल, अनल का अर्थ होता है अग्नि, अनिल का अर्थ होता है पवन, तो ये भी गलत है। तरणी, तरणी, ये देखिए इसका अर्थ होता है नाव और तो उसके बाद मरीची, मारीची, रश्मि और रवि। तो इसका उत्तर है घ, मरीची यानी रश्मि है और मरीची यानी रवि है। ठीक है, वहां पर सही दिया है, लेकिन जो उसका अर्थ है आगे पीछे लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही है। उसके बाद तीसरा है, शुद्ध श्रुतिशम भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। अनल आग, अनिल अग्नि, अनल हवा, अनिल जट रागनी। तो क्या है सही उत्तर इसका? अनल यानी आग, ये सही, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अंश, अंश शब्द युग्म का अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंश यानी हिस्सा है, अंश अंश यानी कुल है। तो इसका सही उत्तर जो है,
तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है 14। हंस बाह भा बाहु बाजू भुआ भुजा भाग हिस्सा, ये जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। बाह और बाजू भुजा और भाग हिस्सा दोनों सही है। उसके बाद काट तथा काट शब्दों के क्रम से आते हैं, काट का और काट, तो इसका उत्तर है लकड़ी तथा काटना। ठीक है, तो इस तरह आज हमने जो है आपका PT2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।